एक मिनट, मेरे को भी गिफ्ट मिला था, मैं भी देखो मैंने अभी तक। हाँ देखो देखो देखो, मैं बोलो चोरी चोरी खेल लूँ। बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत सही पड़ता है, तो मेरे पास जो रतन का इम्प्रेशन पड़ा, फर्स्ट इम्प्रेशन वो बहुत अच्छा पड़ा, क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ मुझे गिफ्ट में मिली। अच्छा बेटा, ये अब तो होगी, चलो सारी बातें होगी जी, जैसे कि अभी नज़दीक हो रहा, अभी सारा मतलब प्रोग्राम आपका जो भी है इसका स्वयंवर का नज़दीक हो रहा है, अगर भगवान ने चाहा तो ये शादी किस स्टेज पे पहुंच गया, किस माहौल की शादी आप चाहते हो, मतलब आपके किस कस्टम से कि बॉम्बे के उससे या बिहार के या हमारे जम्मू कश्मीर। अपने साइड, और क्योंकि जो सामने वाला इंसान है उसकी भी अपनी ट्रेडिशन, शुरू से ही सबका सपना होता है ना, शादी एक बार होती है, तो मुझे लगता है वो दोनों ही ट्रेडिशन फॉलो किया जाए तो अच्छा रहेगा। बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि शादी तो यार किसी भी ट्रेडिशन में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेन मुद्दा है या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि शादी के बाद जो रिलेशन है वो हमेशा सही चले और हमेशा 100% बेस्ट रहे। अच्छा रतन, हाँ जी, आप लगभग सबसे मिल चुके हो, हाँ, आपको हमारी फैमिली कैसी लगी? बहुत ही अच्छी, बिल्कुल अपने फैमिली जैसी लग रही है। मैं हाँ आप बहुत अच्छी, बहुत शैतान। सूरज को तो आपने गिफ्ट दे दिया, ठीक है, आपने बोला आपके बारे में मैंने अभी मुझे पूरा पता नहीं था, लेकिन देखो मेरा, मैंने इमेजिनेशन आपका किया, ठीक है, इमेजिनेशन करके फिर मैंने वो आरी वाला आपके लिए गिफ्ट लाया, ठीक है, इसलिए टोकन ऑफ लव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये क्या है, मैं खोलूं? हाँ ऑफ कोर्स, इसमें कश्मीरी काम क्या हुआ है हाथ का, ओ बहुत सुंदर है, सुंदर मेरी तरह? बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह, बहुत सुंदर। मुझे बड़ा अजीब लगा था, मैं मौसी जी के लिए कुछ लेकर नहीं गई थी, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड भी था, यू नो अपने से छोटे के लिए हमेशा समझ में आता है उछल कूद करके कि हाँ ये लिया वो दिया, लेकिन बड़ों के लिए बड़ा सोच समझ कर लेना पड़ता है और उतनी समझ तो अभी फिलहाल मुझ में है भी नहीं। तो चले फिर पहले खाना खाना, ये कह रहे कि बनाना, हाँ पहले दम आलू बनाना सीखना है फिर खाना है, आपके हाथ से खाएंगे हम, हाँ मैं खिलाऊं, ये तो कह रहे थे मैं दीपक को खिलाऊंगी पहले, सबको सबको दीपक को नहीं पहले मासी को जिन्होंने पाला है ना, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि रतन आज खाना बनाना सीख रही है मेरी मॉम से और वो दमालू बनाना ही आज सीख रही है इवन मॉम से, तो मेरे तो दिमाग में ये है कि यार मुझे मॉम के हाथ का दमालू तो सबसे बेस्ट लगता है, तो अब पता नहीं रतन उस चीज को मैच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि यार वैसा बना पाएगी नहीं बना पाएगी, तो मुझे ऐसा ना हो कि दमालू वो ऐसा बना ले कि दमालू से मेरा विश्वास ही उठ जाए, मैं दमालू खाऊं ही ना कभी। लगा ही नहीं कि वो टीवी एक्टर है, कि मैं जो एक टीवी सीरियलों में देखती थी मुझे वो उसने कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिंपल जैसे घर में एक परिवार में कोई लड़की है या लड़का है या कोई परिवार को कोई बच्चा है, मुझे वैसा ही महसूस हुआ। थैंक यू आंटी, तो समझ रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, वो आलू उबालना तक मुझे सिखा रही थी, लेकिन सच तो ये है कि इतना मुझे आता है, इससे ज्यादा ही आता है, हाँ लेकिन दम आलू टाइप डिश मैंने कभी नहीं बनाया। मासी, वरना मासी तो मेरी क्लास लगाएंगे। अच्छा मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ से डालूँगी।
काफी कुछ मैं ध्यान रख रही थी कि कुछ गलती ना हो जाए। पहले मुझे कुछ जयपुर में देखा मैंने जब इन दोनों को, तो इतना क्लियर नहीं था मुझे, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये एक दूसरों को थोड़ा लाइक करते हैं। बहू मेरे, मुझे लगता है कि वो रतन हर साइड से सक्सेस रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे पेरेंट्स को काफी ज्यादा खाना उसका पसंद आया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सच बात है कि दिल में बहुत ज्यादा वो बस गई समझ लो। चलो फिर खाना खाना हो गया तो नाच गाना थोड़ा आपके लिए स्पेशल रखा है, क्योंकि जब मम्मा भी गए थे तो आपने भी रखा था।